अपडेट आया था अभी रिसेंटली, वो अभी नहीं किया है तो वो अपडेट करेंगे। और फिर से द पीक क्या पंचर हो गया? ये बॉय हो गया? अरे भैया लग गई कहाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजवीर राज पुरोहित और आज हम फिर से खेलने वाले हैं बस सिमुलेटर अल्टीमेट। तो यहाँ पर कल का वीडियो आप सबने देखा जहाँ पर हम अमेरिका में पहुँच चुके हैं पता नहीं यार बिना टिकट के। तो आज हम फिर से उसी जगह से निकलने वाले हैं, उस गैस स्टेशन से जहाँ पर कल हमने अपनी गाड़ी को जो है छोड़ा था। तो यार कल का वीडियो थोड़ा मतलब ऐसा था कि म्यूट वाला था, उसका रीज़न कुछ अलग था, बहुत सारे रीज़न होते हैं आप सबको पता है। तो आज मैंने सोचा चलो यार वॉइस ओवर करते हैं गेम में और बताते हैं कि इस गेम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन हमने देखी नहीं है, नहीं जैसे कि ये रूट वगैरह, और हमें इसके बारे में ख्याल भी नहीं था और इवन मुझे नहीं था पता था कि यहाँ पर जो है यूएस का रोड जो है, यूनाइटेड स्टेट का जो रोड है वो एकदम अलग है और एकदम टोटली यूएसए की तरह दिया गया, जो बहुत सही है। और इस गेम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलग है जो हमने देखी नहीं और आज हम देख रहे हैं। वैसे इसका अपडेट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक मैंने इसका जो एक अपडेट आया था अभी रिसेंटली वो अभी नहीं किया है तो वो अपडेट करेंगे। और फिर से द पीक क्या पंचर हो गया? अरे भैया लग गई कहाँ पर लग गई भैया? कौन सा पंचर हो गया? अरे यार आगे का पंचर हो गया। अब हम क्या करें? मुझे पहली बार मैं खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मतलब यार ऐसे सिचुएशन में फंसा हूँ। अच्छा ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर सर्विस सेंटर का। मतलब इन लोगों ने मतलब पूरा स्क्रिप्ट राइट करके रखा हुआ है कि कब आपको पंचर में से निकालना है, आपको सर्विस सेंटर भी दे देना है तुरंत ही। तो बाहर से देखते हैं मज़ा आएगा। सो यार ये तो मेरे साथ पहली बार हुआ है इस गेम में और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी है। तो यार 2 सेकंड में जक्स वालों ने अपना पूरा एक नया स्टूडियो मतलब पूरा क्या कहते हैं उसे सर्विस सेंटर चालू कर दिया। वाह भैया वाह भैया, अभी हम जिंदा हैं। या क्या बात है। तो ठीक है यार हम अल्ला डाइंग तो मर जाओ ना सालो, तुम लोग जाओ ना घर पे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ये लोग काफी ज्यादा ओके ठीक है भाई सर्विस कर लो। $28 ले रहा है, ठोक पीट के हमारे पंचर को जो है ठीक कर देगा। तो यार बस को पंचर करने में इन लोगों को पता नहीं कौन सी कील लगी थी क्योंकि इन्होंने सर्विस सेंटर के एग्जैक्ट बाहर लाकर, बाहर मतलब जैसे सर्विस सेंटर के नजदीक पहुंचा भाई साहब पंचर कर दिया। मुझे लगता है कि इससे ही इनका धंधा चलता है और इसी वजह से हम कुछ कहना और नहीं चाहते इनके बारे में क्योंकि ज्यादा बेइज्जती करेंगे तो शायद हमारे ऊपर स्ट्राइक आ सके। कुछ नहीं आएगा भाई, ये इनको पता ही नहीं चलेगा हिंदी। बाकी यार इन लोगों ने यार काफ़ी काफ़ी यार ख़राब चीज़ की है, ऐसे थोड़ी $28 ले लिए बिना किसी बात के, वो भी इन लोगों ने षड्यंत्र किया था हमारे खिलाफ़ और हमारी बस को पंचर कर दिया। बहुत बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। कोई बात नहीं ठीक है, वैसे भी आप सबको नहीं पता तो मैं इस गेम में बहुत अमीर हूँ,
बाकी जिंदगी रियल लाइफ में तो नहीं है अमीर हूँ, लेकिन यार गेम में मेरे पास करीब 2.5 बिलियन डॉलर पड़े हुए जिसका मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, और मैंने मतलब सारी बसें खरीद ली है इसमें। ये कमाल होता है ट्रिक्स का, कुछ ट्रिक्स नहीं है, एप्लीकेशन लो यार भाई, आराम से लो। और वैसे यहाँ पर जो ये जगह है ना, ये बहुत दूर है, और ये तो पहली सिटी है जो मैंने चूज़ की है इसमें, और यहाँ पर ये सिटीज़ वगैरह आ रही है इसमें। ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको जो है जो दो सिटी के बीच में भी अलग अलग सिटीज़ आ रही है, और वो सिटी भी ऐसे मतलब यार जैसी तैसी बनाई हुई नहीं है, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर जो है क्रिएट की गई है। सो ये एक अच्छी चीज़ है जो मुझे पसंद आई इस मैप में, मेनली इस मैप में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग लगी और बहुत ज़्यादा यूनिकनेस लगा इस गेम का, तब जाके पता चला यार भाई गेम में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपको मैंने बता ही नहीं है। तो यार पहले हम लाइट चालू करते थे वरना पैसे काटना ये लोग शुरू कर देंगे। तो यार हमें साइड में जाना है, अरे भैया क्या ही बोला है, बहुत सही। लिटरली कल आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे भाई ये कौन सा पीसी का गेम है या एंड्रॉयड का, भाई यार ये एंड्रॉयड का ही गेम है, लेकिन यहाँ पर जो है चेंज ये है कि अगर आप हाई सेटिंग पर खेलोगे तो ये गेम कुछ अलग ही लगेगा। यार पता नहीं मेरा हाई सेटिंग है, मैं देखने वाला था, लेकिन मैंने सोचा यार अगर मैं देखने जाऊँगा तो ये रूट वगैरह जो है सब $28 काट लिए भैया। यार बातों बातों में मैं फ्लो में बहुत तेज़ निकल जा रहा हूँ, तो यार क्या करें क्या ही बताएं। तो ठीक है यार कोई बात नहीं, अब स्लो करते हैं क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं। सो हमने रोक दिए क्योंकि यहाँ पर रेड लाइट आपको देखने को मिल जा रहा है। एक चीज़ देखिए जो इन लोगों की प्रॉब्लम है, या फिर इन लोगों को ये प्रॉब्लम जो है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जल्दी से सुधारनी चाहिए, वो है कि ये जो लाइट है ना वो डायरेक्ट ग्रीन होती है, वो येलो नहीं होती, और डायरेक्ट ग्रीन होती है तो उसमें मतलब यार कंफ्यूजन वाली सेट या इन लोगों के लिए नियम लागू नहीं है, हमारे लिए नियम लागू है पूरी तरह से। देखते इस बार मैं इनके पीछे पीछे जाता हूँ, और यार हम अरे भैया आप बीच में आए हो, मैं थोड़ी बीच में आया हूँ यार, तो हम एक बस स्टॉप पर आए जो हमारा अंतिम बस स्टॉप है। भैया मुझे लगा था ये क्या बात कर रहे हो दीदी, पहुँच गए इतनी जल्दी, मुझे लगा 300 किलोमीटर लिखा हुआ है तो शायद कुछ मिडिल वाला सिटी होगा कोई। चलो 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 चलो, ओके दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, और जहां पर अब हम मैं पार कर देंगे इस बस को, और जो अंदर बैठे उनको भी निकाल देंगे धक्का मार के। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।